आजाद से मिले कांग्रेस नेता, आजाद को मनाने में जुटी कांग्रेस, अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे G23 के नेता। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद लगातार पार्टी के नेताओं के निशाने पर हैं। हालांकि कुछ पुराने साथी अभी भी गुलाम नबी आजाद के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के कई सीनियर और G23 नेताओं ने मंगलवार को गुलाम नबी आजाद से उनके निवास पर मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से पहले गुलाम नबी आजाद के घर G23 नेताओं की बैठक को लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इस बैठक को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। जानकारी के अनुसार हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा और पृथ्वीराज चौहान ने गुलाम नबी आजाद से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की है। चारों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक बैठक चली। गुलाम नबी आजाद और भूपेंद्र हुड्डा की दोस्ती काफी पुरानी है। आजाद हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भी रह चुके हैं। उन्हें कांग्रेस नेतृत्व के फैसले के आलोचक के रूप में भी जाना जाता रहा है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और हाल ही में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संचालन समिति के अध्यक्ष का पद छोड़ने वाले आनंद शर्मा भी हुड्डा के करीबियों में गिने जाते हैं। वो भी G23 में शामिल है। पिछले दिनों हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया था। उन्होंने कहा था, जब कोई वरिष्ठ नेता ऐसा कदम उठाता है तो उसका पार्टी संगठन पर असर पड़ता है। आजाद का फैसला पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही कह सकता हूँ, आजाद पूरे समय कांग्रेसी रहे। आजाद के साथ कांग्रेस के इन नेताओं की मुलाकात को लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के लिए होने वाले आगामी चुनाव में असंतुष्ट नेता अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। कांग्रेस के G23 गुट की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कोई संकेत नहीं मिले हैं। कांग्रेस के किसी वरिष्ठ ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं जताई है। इस बीच खबर आई है कि गुलाम नबी आजाद 4 सितंबर को सुबह 11 बजे जम्मू के सैनिक कॉलोनी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस छोड़ने के बाद ये उनकी पहली जनसभा होगी। पार्टी छोड़ने के बाद से आजाद लगातार कांग्रेस पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर लगातार हमलावर हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री आजाद ने पिछले हफ्ते कांग्रेस छोड़ दी थी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे अपने त्याग पत्र में गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी की आलोचना की थी। आजाद ने कहा था, वो जल्द ही जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी शुरू करेंगे।